तो कैसे सबसे पहले मैं और वर्क करने के लिए ओयल पेस्टल कलर ले रहे हो जो कि 35 रुपीज वाला। सर्कल बनाने के लिए एक नॉर्मल सा पेंसिल और ये रहा हमारा कलर पेंसिल। तो कैसे सबसे पहले मैं नॉर्मल पेंसिल से सर्कल बैकग्राउंड बनाएगा। तो गाइस मैंने इस सर्कल को बना चुका हूँ। उसके बीच में मैंने ऑरेंज की लीव यानी कि पत्ता बनाऊंगा और यह फल हमने ऑरेंज के ऊपर हल्का सा वाटर कलर यूज करूंगा। तो गाइस इस तरह करते हो ना तो कलर बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाता है। 3 मिनट्स रुकने के बाद फिर से कैमलिन कलर पेस्टल को यूज करूंगा। उसके बाद मैं फिर कलर पेंसिल से क्लीन करूंगा जो कि देखने में अट्रैक्टिव लगता है। तो दोस्तों उसको करने के बाद ऑरेंज के बीच में जो चोरी रहता है ना उसको पोस्टर कलर से ही यूज करूंगा मैं दोनों को भी। तो दोस्तों इस ड्रॉइंग को बनाने में ना मेरे को 1 घंटा लग चुकी है जो कि बहुत ही हार्ड होता है ये। तो गाइस सबसे पहले मैं हाइलाइट को दिखाने के लिए इस पेन को यूज करूंगा। तो गाइस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा चैनल अभी भी काफी डाउन चल रहा है, इसलिए आप लोग सपोर्ट कर देना। क्यों ना आप लोग सपोर्ट नहीं देता है तो हम लोग आगे नहीं जा सकते, इसलिए सपोर्ट कर देना भाई लोग। एंड देन सबसे पहले मैं लिप मैशिन चेन दिखाने के लिए ग्रीन कलर यूज करूंगा और शेडो को दिखाने के लिए मैं ग्रीन कलर को ही यूज करूंगा। तो मेरा क्यूट ऑडियंस, इस वक्त मैं मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना वरना मेरा दिल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो जाता है। सो गाइस ये पेंटिंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।